क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए कुछ हम उसकी बेसिक डेफिनीशन को पहले हमें समझना ज़रूरी है जो कि असेंशियल कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जो हैं जिसको हम यूज़ करेंगे अपने आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दीज डेफिनीशन्स आर बेस्ड ऑन द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाई नेस्ट नस्ट क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी अमेरिका का ये है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन आ, करता है चीज़ों की और वो आ, एक यूनिफॉर्म तरीके से ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें तो निस्ट की डेफिनीशन को हम यूज़ करेंगे ताकि हम लिटरेचर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि थोड़ी सी वेरी कर रही होती हैं तो हम आ, इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन को यूज़ करेंगे ताकि हम कंसिस्टेंटली एक ही बात कर सकें ये ना हो कि किसी जगह आप देखें तो कुछ कह रहे हैं किसी जगह देखें तो कुछ कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेस्ट The first definition that we need to understand is on-demand self-service. On-demand self-service is that a resource consumer can unilaterally provision computing services such as server time and network storage as needed automatically without requiring human intervention interaction with each services provider. So self-service कंज्यूमर यूनलेट्रली प्रोविजन कर सकता है कंप्यूटिंग सर्विसेज जिसमें नेटवर्क है नेट टाइम uh, है आपका सर्वर uh, का टाइम कितना है मेमोरी है और क्या चीज़ें हैं सो so, ऑटोमेटिकली इसमें ये कीवर्ड है विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरेक्शन तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है याद रखने की ज़रूरत है इसका क्या मतलब है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस जो है ये दिस इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एम्पावरमेंट ऑफ एंड यूजर्स ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स एम्पावरमेंट ऑफ एंड यूजर ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स जो एंड यूजर है उसको आप इस चीज़ को एम्पावर कर रहे हैं कि उसको क्या चीज़ चाहिए कितनी चाहिए किस वक्त चाहिए नेटवर्क की बैंडविड्थ, मेमरी प्रोसेसिंग पावर एंड सोनस वर्चुअल मशीन ये क्या चीज़ उसे कस किस वक्त कितनी चाहिए ये हम इससे बता रहे हैं कि एंड यूजर को एम्पावर कर रहे हैं और इंटरेक्शन की जरूरत नहीं उसमें होती देन वी हैव नेटवर्क एक्सेस इन दिस केस वी से क्लाउड सर्विसेज एंड रिसोर्स आर अवेलेबल ओवर द नेटवर्क एंड एक्सेस्ड थ्रू स्टैंडर्ड नेटवर्किंग दैट दैट प्रोमोट यूज ऑफ हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स रिसोर्सेज आर अवेलेबल ओवर द नेटवर्क एंड एक्सेस थ्रू स्टैंड नेटवर्किंग सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप ये ऐसे कह सकते हैं कि एक तरीके है जिस तरीके से आपने लेट्स है कि अपना एक अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है उसी तरीके से ये स्टैंडर्ड नेटवर्किंग को यूज़ करते हुए आप रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे कोई ख़ास नई चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी ज़ाहिर है कि कुछ यानी कि आपको Uh, उसके यू आर एल वगैरह आपको चेंज करने पड़ेंगे इन ऑल दैट लेकिन बेसिक नेटवर्किंग की प्रोटोकॉल्स वही रहेंगी और नेटवर्किंग uh, के पैर वो जो मेकनिज़म्स भी वही आपके रहेंगे और हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स बेशुमार के तरह के जो क्लाइंट्स हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करते रहते हैं एंड दिस कैपेसिटी इज़ इनडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन एंड डिवाइस आप मोबाइल फ़ोन से आप यूज़ कर रहे हैं आप किसी और डिवाइस से आप कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब हम कैरेक्ट्रिस्टिक्स की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट रिसोर्स पूलिंग रिसोर्स पूलिंग क्या है द क्लाउड प्रोवाइडर्स कंप्यूटरिंग रिसोर्स आर पूल्ड इन दिस वे दे कैन एफिशेंटली सर्व मल्टीपल कस्टमर्स एंड द प्रोवाइडर कैन डायनामिकली डिजाइन असाइन फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्स टू कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू देयर इंस्टीटेनियस डिमांड्स रिसोर्स को पूल किया है एंड शेयरिंग हो रही है और इस तरीके से मल्टीपल कंज्यूमर्स की डिमांड्स को ये पूरा किया जा रहा है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लोकेशन इंडिपेंडेंस है द लोकेशन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड बाई जुबिकटस नेटवर्क एक्सेस इज जनरली अ गुड थिंग बिकॉज आप कहीं से भी बैठ के इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और रैपिड इलास्टिसिटी आपको मिल जाती है ड्यू टू रिसोर्स पोलिंग इट इज ईजी फॉर द कैपेबिलिटीज़ टू बी रैपिडली एंड इलास्टिकली प्रोविजेंट. इन सम केसेस ऑटोमेटिकली और इससे स्केल अप आप बड़ी तेजी से बड़ी आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं जो और जो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का वो है मल्टी टेनेंसी मल्टी टेनेंसी क्या है ज द यूज ऑफ अंगल एप्लीकेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग डिस्टिंग क्लासेस और यूजर्स एक एप्लीकेशन है लोग कई क्लाइंट्स उसको यूज कर रहे हैं सेम एप्लीकेशन को सो इट इस काइंड ऑफ मल्टी टेंसी का मकसद क्या है मतलब क्या है कि एक जिस तरह आपकी बिल्डिंग है अपार्टमेंट बिल्डिंग बहुत सारे अपार्टमेंट्स है बिल्डिंग एक है मुख्तु लोगों ने किराए पे पोर्शन लिए हुए हैं और वो उसमें कर रहे हैं तो मल्टी टेनेंसी का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही है एक एप्लीकेशन है जिसको मल्टीपल टेनेंट्स मल्टीपल यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं और इस तरीके से ये क्लाउड में ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग आप कर रहे हैं और इससे बहुत से फ़वाद हमें हासिल होते हैं